खेत में पानी देते समय सर्प के काटने से हुई मौत। किसान खेती के लिए दिन रात एक कर देता है, चाहे दिन हो या रात किसान खेतों में कार्य करते नजर आते हैं तो कई किसानों के साथ अप्रिय घटना भी घट जाती है। उसी प्रकार टहरुली के सेमरी कछान खेत पर पानी लगा रहे 47 वर्षीय किसान की सांप के काटने से मौत हो गई। तहसील टहरुली के अंतर्गत आने वाले सेमरी कछान गाँव के किसान लक्ष्मी प्रसाद रात्रि 8 बजे अपने घर से खेत पर फसल में पानी देने के लिए निकले थे, तभी पानी लगाते समय लगभग रात्रि 10 बजे सर्प ने पैर में काट लिया। बगल में ही खेत पर उनके भाई चंद्रलाल ने जब इनके कराहने की आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि सर्प ने काट लिया है। आनंद फानंद में उनके भाई ने घर पर बेटे को सूचना दी तो मौके पर पहुंचे बेटे ने उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उप जिलाधिकारी टहरोली इंद्रकांत त्रिवेदी को सूचना मिलने पर उनके निर्देश पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार एवं लेखपाल संजय कुमार ने ग्रामीणों एवं परिजनों से जानकारी लेकर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। जानकारी पर पहुंची थाना फतेहपुर के प्रभारी अमीराम सिंह ने शव का पंचनामा भर का पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेज दिया है। क्या नाम है आपका? चंद्रलाल। कौन से गांव के निवासी? सेमरी कछान। क्या मामला हो गया आपके यहाँ? पानी दे थी रात में। अच्छा, सांप ने काटा था छोटे हाँ भाई जान। अच्छा, क्या क्या हुआ उसमें? क्या हो गया? सांप ने काटा था, खत्म हो गया। अच्छा, तो आपको जानकारी कहाँ से मिली, कैसे जानकारी लगी आपको? बताइए उनने मौसम के हमें सांप ने काट का जो बताई है दूरी में। हाँ, खून करो तो। अच्छा, फिर आपने क्या किया? हमने भय भगत का फिर वाले तो ले आए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या घटना हो गई आप? बाबा ने काट का, पापा का। अच्छा, आपके पिताजी थे जी। फिर आपने इलाज के लिए नहीं लेकर गए आप? जी, ले गई थी। हाँ, तो गली में दम तोड़ दी। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 3-4 बजे लुआ गए थे, रात में 8 या 10 बजे। अच्छा, कहाँ लेकर गए थे? यहाँ से। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा काना डेट हो गई। सांप ने कहाँ काटा था आपके पिताजी को? गोड़े में, उंगली। क्या काम कर रहे थे? पानी बहा रहे थे। खेत पर थे? खेत पर। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।